क्या करें ऐसे ठीक है। अभी मैं जब किसी को देखूंगा ना तब मैं बोल पाऊंगा। हम अपने भी कभी टॉर्च कर रहे हैं ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन। तुम क्या जा रहे हो ना भाई, घड़ी आ गई हाँ। लिटिल लाभ पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पंचा हाँ एक साथ और तपन प्रभु आएगा सर, मुझे लगता है तीन और एक साथ प्रभु आ सकता। मैं फोन करके बता दूँ। हाँ अरे क्या कर दिख रहा है वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैवच तत्तानं पावने भो वैष्णवे भो नमो नमः। नमः महाबदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिष्वे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तब तो कहाँ भेज रहे हो, क्या चक्कर है? हाँ हाँ नहीं पंखे की जरूरत नहीं, बैठो कथा सुनो। ज्यादा नहीं, अरे 10 मिनट कथा सुनाएंगे, ज्यादा सुन नहीं सकते। बैठ जाओ बैठ जाओ। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बल हरि कृष्ण 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 हरि 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 राम 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 बल हरे कृष्ण 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 हरि हरि हरे राम राम राम। सर्वप्रथम गुरुपाद पद्म नितलीलाभ्र विष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद्भक्ति स्वरूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुदेव नितलीलाभ्र विष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं जथा जी को प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। इसलिए गतकाल हम लोग श्रवण कर रहे थे, कहते श्री एक व्यक्ति ने प्रश्न किया है, हैं क्या प्रश्न किया है? प्रश्न था मनुस्मृति आदि धर्मशास्त्र में कहते ब्राह्मण वर्ण को सर्वोत्तम वर्ण कहा गया, लेकिन उनके अनुसार ब्राह्मणों के लिए संध्या वंदना आदि नित्य कर्म है। यदि वह कार्य नित्य है तो वैष्णव के व्यवहार उनके विरुद्ध क्यों होता है? इनका यह प्रश्न था, समझ गए कि नहीं? कल प्रश्न ये था, इसका विरुद्ध क्यों होता है? फिर कल हम लोग श्रवण कर रहे थे, सब लोग ने प्रार्थना किया। किसको प्रार्थना किया बोलने के लिए? हाँ इसलिए श्री हाँ वैष्णव दास को प्रार्थना किया। अगर ये वैष्णव दास अगर इसका उत्तर दे तो अच्छा होगा। तब तो उन्होंने गुरु जी के आदेश को पालन करते हुए तो उन्होंने उत्तर दिया था। सर्वप्रथम उन्होंने भगवान कृष्ण को प्रणाम किया और ब्रह्मा जिनका अंगकांति और परमात्मा जिनका अंश स्वयं परिपूर्ण जो भगवान कृष्ण हैं श्री चैतन्य महाप्रभु उनको चरण में उन्होंने प्रणाम करते हुए तो उन्होंने बताए भले जगत में कहते जो मानव प्रकृति है दो तरह की होती है। कितना तरह के? कहते मान जो इंसान का जो प्रकृति दो तरह के कहते एक है वैधी है और एक है रागानुगा। दो तरह का इनका वृत्ति होती है। कहते जब तक माया की बुद्धि जब तक मानव की बुद्धि
माया के अधीन रहती हैं तब तक मनुष्य का प्रकृति अवश्य ही वैध रहेगी। जब तक ये मानव का बुद्धि माया के अधीन रहेगा तब तक क्या होगा, मनुष्य का जो इंसान का जो बुद्धि प्रकृति वो वैध रहेगी। लेकिन जब माया की बंधन से मनुष्य का बुद्धि जब मुक्त हो जाता है फिर उस कोई वैध प्रवृत्ति नहीं रह करके कहते क्या हो जाता है, कहते रागानु का प्रकृति प्रकट हो जाता है। वैध मतलब शास्त्र के विधि निषेध नियम को सुन करके जो हमारा मन प्रभु का भजन में लगता है, जैसे अभी हम लोग भजन कर रहे हैं। क्यों भजन कर रहे हैं, किस लिए भक्ति कर रहे हैं, कारण है हमें पता है भगवान हमें ये मानव शरीर 84 लाख जन्मों के बाद में दिया। ये जन्म बारंबार ठाकुर देते नहीं, ये 84 लाख जन्मों के बाद में मिला, इसी जीवन में ही भक्ति कर सकते हैं। अगर इसी जीवन में भक्ति नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, हम फिर 84 लाख जीवन में पशु पक्षी कीड़े मकोड़े होकर के पता नहीं क्या क्या दुख कष्ट भोग करना पड़ेगा हमको। इसलिए अभी जो हम भक्ति कर रहे हैं ये वैदिक भक्ति कर रहे हैं, शास्त्र के विधि के अनुरूप कर रहे हैं। हम अभी भय से भक्ति कर रहे हैं, हमारी जो भक्ति है कैसे भक्ति कर रहे हैं, भय से। अगर भजन नहीं करेंगे तो 84 लाख जो नहीं जाना पड़ेगा, फिर जाएंगे तो फिर जन्म मृत्यु दुख कष्ट जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये सब दुख कष्ट हम उठाना पड़ेगा। इसलिए क्या करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जब इसी भाव से हम भक्ति करते हैं कहते हमारी जो बुद्धि है वो माया की अधीन में ये वृत्ति रहती है, हैं, इसलिए उसको वैध भक्ति कहती है। लेकिन जब माया की बंधन से जी मुक्त हो जाता है, जब उसको स्वाभाविक रूप में भगवान में अनुराग हो, बोलने का जरूरत नहीं, समझाने का जरूरत नहीं, स्वाभाविक रूप में, जैसे अभी हम बैठते हैं हरिनाम करने के लिए, नहीं तो गुरु मंत्र जप करने के लिए, देखना आँख बंद करते ही जितना दुनिया के सारे यार दोस्त यार आ जाते हैं। पहले पहले किसको साथ में हमने किया किया किया, किसको साथ में हमने कैसे कैसे व्यवहार की थी, बल्कि जब गुरु मंत्र 5-7 मिनट बैठते गुरु मंत्र जप करने के लिए तभी मन भी स्थिर नहीं रहता। गुरु मंत्र जप करने से पहले हम क्या करते हैं, तीर्थों का आह्वान करते हैं, गंगे से जमुने से व गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जल अस्मिन सन्धि कुरु, सारे तीर्थों को आह्वान करते हैं, अपवित्र पवित्र व सर्वावस्थाम गतो विभाज स्मरित पुंडरीकाख्यम सब आह्यांतर सूची। जो पुंडरीकाख्य का नाम लेते हैं बाहर भीतर पवित्र हो जाता है, आचमन लेते हैं, फिर तिलों को स्थापन करके फिर पवित्र होकर के अच्छे आसन पर बैठ करके हम गुरु मंत्र जप करने के लिए कोशिश करते हैं। 10 मिनट मान जप करेंगे, अब देखना 1 मिनट भी मन में नहीं लगता, बस गुरु जी का मंत्र जप कर क्लीन कृष्णा ये बोलते ही मन बस वो तो अपना काम कर रहे हैं, वो अपना यार दोस्त के पास में चला गया। पहले पहले जो जो हम काम किए ना हमारा मन उधर ही चलेगा, इधर हाथ भी चल रहा है मुँह भी चल रहा है लेकिन मन और कहीं भी। हरिनाम करते समय देखना, हरिनाम तो करते हैं लेकिन मन भी इधर उधर डोलता रहता है। इसलिए अभी ये जो हमारी जो भक्ति है ये माया के अधीन है, इसलिए इसको कहती है भक्ति के क्या भक्ति, ये वैधि भक्ति। लेकिन जिस समय में हमारा मन माया से अतीत चल जाए, माया से ऊपर चल जाए, जिस समय ये मन को समझाने का जरूरत नहीं, ये मन अपने आप भगवान की भक्ति में स्वाभाविक रूप में प्रभु का भजन में लग पड़े, हैं। अभी हमारा भावना क्या है, ये मन को माया से हटा करके जोर जबरदस्ती प्रभु का भजन में लगाए। लेकिन उसी समय क्या होगा, कहते उसी समय वो माया वो लोग क्या करते हैं, माया को भगवान को छोड़ करके ये माया में मन लगाना चाहते हैं लेकिन तभी इनका मन क्या होता है, माया में लगते नहीं। जैसे ब्रज की गोपियाँ हैं, वो ब्रजवासी है, वो चाहते हैं बोले हम वो काले को स्मरण करना नहीं चाहते, काल धूर्त है, हैं, हमें हमारे साथ में धोखाबाजी किया, हम तो उसको भूलना नहीं, हम उसको तो भूल जाना चाहते हैं। लेकिन ये निगोड़ी मन इसको छोड़ कर और किसी को याद करता है, याद करते उसको याद करता है, हैं। इसलिए कहते जो उस समय क्या होता है, जो मन है ये माया से ऊपर उठ जाता है। जितने अनर्थ हमारी जो चार तरह का जो अनर्थ है, जो असत तृष्णा हृदय दर्पल अपराध तत्व भ्रम, ये सब दूर हो जाता है सबके सब, हैं। कोई मन में असत तृष्णा मतलब
प्रभु की चिंता छोड़ करके और जितने सारे चिंतन असत तृष्णा है, हृदय हृदय का जो दुर्बलता है, हृदय दुर्बल क्या है हमारे अंदर में, कितने तरह का क्या हृदय दुर्बल, कितने तरह का हमारे हृदय दुर्बल है, क्योंकि मन को समझाते भजन करने के लिए, लेकिन मन सोचता है अगर भजन नहीं कर पाए तो बीच में इधर उधर कुछ हो गया तो अभी क्या होगा, फिर मैं इधर का नहीं रहूँगा उधर का भी नहीं रहूँगा, इसलिए भैया अभी तो जैसे जैसे होगा तो संसार करके शादीशुदा करके देख लेते हैं हैं क्या होता है हमारा मन, कितने मतलब हमारे मन में अंदर में इसे हृदय दुर्बलता है हैं। तरंग रंगिणी विषय संग्रह नियम क्षमा, विषय के साथ में लड़ाई युद्ध कर रहे हैं, कभी विषय हमें परास्त कर देता है, हम कभी विषय को परास्त कर देते, तरंग रंगिणी कभी कभी कखन भोगेर कखन त्यागेर छलनाए मन नाचे, कभी इच्छा करता है नहीं संसार अनित झूठा है, कोई किसका है नहीं, जिसके लिए करो वही बदनामी देता है, ये संसार में कोई किसी नहीं किस नहीं, माया संसार बेकार, सब छोड़ सब चीज को हैं। फिर मन कभी कभी सोचता है अरे अम्बरीश महाराज अभी तो गृहस्थ थे, प्रहलाद महाराज तो गृहस्थ हुए, श्रीवास पंडित तो गृहस्थ, क्या गृहस्थ में भजन नहीं होता है, भजन होता है हम उसमें देख लेते हैं। फिर मन कभी सोचता है, शास्त्र कहता है एक बार ये बिल में घुस जाओ ना भैया, निकल नहीं पाओगे, एक बार वो बिल में घुस जाओ, कभी वहाँ से निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा, ये मन कभी भोग कभी त्याग ऐसे ऐसे, ये सब हृदय दुर्बलता है हैं। लेकिन जब हृदय दुर्बलता जब खत्म हो जाए, नहीं मंत्र साधन की बात शरीर पतन, भले ही ये शरीर हमारी नष्ट हो जाए जो कुछ हो जाए, लेकिन हम भगवान के भजन करके ही छोड़ेंगे, ये मन को पूरा प्रभु का भजन में लगाएंगे, प्रभु की भक्ति में पूरा के पूरा ये मन को लगाएंगे हैं, एकदम एकनिष्ठ होकर भगवान की भक्ति करेंगे। भगवान जब एक चिट्ठी से लेकर के हाथी को खिलाते हैं, जब भजन करने के लिए आएंगे क्या प्रभु हमें नहीं खिलाएंगे, प्रभु क्या हमें खिलाएंगे नहीं, जिसने एक चिट्ठी से लेकर हाथी का जो पालन करते हैं तो हमको क्या खिलाएंगे नहीं, अभी हमको प्रसाद मिलता है कि नहीं मंदिर में, इतना मिलता है प्रसाद नहीं खत्म नहीं कर पाते, फिर भक्तों इधर उधर दे देते हैं, फिर प्रसाद कितना प्रसाद आ गया हैं। एक गृहस्थ व्यक्ति घर में कितना तरह का प्रसाद खाता है, एक रोटी कोई सब्जी खाएगा, हमारे कितना तरह का होता है, कितना तरह का होता है हाँ, चार पांच तरह का, नाश्ता में भी पांच छह तरह का प्रसाद पाते हैं हैं, दोपहर में भी, इसलिए कहती सबके सब क्या है, कहती सबके सब हृदय में दुर्बलता है, अगर भजन करेंगे तो फिर क्या होगा नहीं होगा, कहते अगर संसार का एक सुख छोड़ना तुमको जीवनों का सारे सुख मिलेगा, अगर संसार का एक सुख में जाओ सारे दुख, और माया ऐसे प्रबलता है ना, एक थोड़ी सी सुख के लिए सारे दुख मोल लेने के लिए तैयारी हो जाता है, लेकिन भगवान की भक्ति में मन उसकी नहीं लगता है, प्रभु का भजन में नहीं लगता है, इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं रागानुगा जो प्रकृति ही जीव का शुद्ध प्रकृति, मतलब यही प्रकृति जो मन स्वाभाविक रूप में, क्योंकि हम जो जीव कौन है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीवर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, हम भगवान के नित्य दास, तो हमारा कर्तव्य क्या है, भगवान की दासत्व करना, उसको सेवा करना ही हमारी कर्तव्य हमारी है, लेकिन कदि ये स्वभाव सिद्ध चिन्मय और जड़ से मुक्त कृष्ण की इच्छा से तो पानी ले कहते श्री कृष्ण की इच्छा से शुद्ध चिन्मय जीव का जड़ संबंध दूर होता है,
अभी यह प्रश्न होता है फिर हम ये माया को कैसे छोड़ सकते हैं। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन दैवी जैसा गुणमयी मम माया दुरतया माम एवं जे प्रपद्यन्ते माया एताम तरन्ति। कहते हैं अर्जुन ये जो दैवी जो माया है ये माया मेरी माया है, लेकिन ये माया से कैसे मुक्त हो सकता हूँ। बोले एक उपाय है, जो व्यक्ति मेरे चरण में शरणागत हो जाता है वही व्यक्ति ही माया से निकल सकता है। और मेरे चरण में शरण हुए बगैर कोई माया से मुक्त हो ही नहीं सकता, असंभव है। हाँ, असंभव है, केवल प्रभु की कृपा से। जैसे हरिदास ठाकुर जी हैं, हरिदास ठाकुर जी जब भजन कर रहे थे दिन में 3 लाख हरिनाम करते थे, 3-3 लाख हरिनाम करते थे दिन में। और उसी समय में राजा था मुसलमान राजा, उसने देखा ये ढोंगी बाबा कुछ ही नहीं करता, दिन भर माला लेकर के हरे कृष्ण ही करता और तो कुछ करता है नहीं, और मैं देश का राजा हूँ और सारे प्रजाओं को मैं ही खिलाता हूँ, सब प्रजाओं को मैं पालन करता हूँ। लेकिन आश्चर्य की बात है ये मेरी जिन जिन को मैं खिलाता हूँ ना ये लोग मेरे पीछे चुगली करते हैं, खिलाता हूँ इनको लेकिन चुगली करते हैं। लेकिन ये बाबा कुछ नहीं करता, बैठ करके बोले माला ही जब करता है और इसको देखो सारा दुनिया में इसी जजीकार, सारा दुनिया घर घर में इसकी चर्चा है, घर घर में इसकी चर्चा भजन करते हैं। बोले बाबा को किसी तरह से गिरा देंगे, बाबा को किसी तरह से गिरा देंगे। बोले गिराएंगे कैसे? बोले बस किसी लड़की की चक्कर में फंसा देंगे इसको, बस हो जाएगा, बस इसको घिरना हो जाएगा। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने लक्ष्य हीरा को उसी समय में जो विश्व सुंदरी थी लक्ष्य हीरा थी उसको बुलाया, बोले काम कर सकते हो? बोले क्या है? बोले जो बाबा गंगा किनारे में भजन करता है ना किसी तरह से उसको माया में फंसा सको? बोले ये मेरे लिए कोई बड़ी भारी बात थोड़ी है, चुटकी बजाती मैं कर दूंगा। बोले बहुत सारी इनाम मिलेगा। बोले बाबा कोई चिंता मत करो, देखो क्या करता हूँ। एकदम रात में सज धज करके एकदम श्रृंगार करते हुए गंगा किनारा, सुंदर चंद्रमा का किरण छिटक रहा है, सुंदर तुलसी की पौधा, बाबा वहाँ पर छोटी सी कुटिया बना करके तुलसी वृक्षों को नीचे बैठ करके हरिनाम करते थे। बस पहुँच गए, रात को पहुँच गई लखेरा, पहुँच गए, पहुँच करके बोले बाबा ये जीवन को क्यों बर्बाद कर रहे हो? ये जो जवानी तेरे को मिला, एकदम कितने सुंदर जवानी तुम्हारी, देखो मैं कितना सुंदर ही हूँ, इसलिए क्यों ये जवानी को नष्ट क्यों कर रहे हो? इसलिए तुम अपना संग मुझे प्रदान करो। लेकिन ये तो गलती गंधी भाव से कह रही थी, लेकिन उन्होंने उल्टा रूप में लिया। जैसे हम कहते ना चलो हम साधु संग करके आएंगे, बोले ना साधु संग करो। साधु संग मतलब क्या? उनको उपदेश को, उनका भजन आदर्श को जीवन में उतारना ही साधु संग है। उन्होंने बोले अच्छी बात, ये हमारी संगम आ गए, मैं तो संत हूँ, मैं क्या दे सकता हूँ, प्रभु का नाम ही तो दे सकता हूँ। बोले बढ़िया, अपना माला पूरी हो जाएगा तो तुम्हारी इच्छा को मैं पूरी कर दूंगा। लेकिन माला जब करते करते बाबा जोर जोर से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, जोर जोर से हरिनाम करते रहे। और वो जो बेस्या थी वो तरह तरह के हाव भाव कटाक्ष तरह तरह से उसको गिराने के लिए कोशिश की, लेकिन भगवान कहते ना माम एवं जे प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति। थे अर्जुन जो मेरे शरण में आ जाते हैं ना माया उसको कुछ नहीं कर सकता। लास्ट में 3 दिन उसको बदला दिया। पहला दिन में तो वो बड़े हाव भाव को दिखाए हैं, हाव भाव को दिखाए, लेकिन ऐसे करते करते सारा रात्रि प्रभु का नाम सुनते सुनते रात्रि बीत गया। बोले देखो तुम कल आ जाओ, जरूरी इच्छा पूरी करेंगे, आज तो मेरा माला ही नहीं पूरी हो पाई, क्योंकि मेरा नियम रखा है जब तक 3 लाख हरिनाम पूरी नहीं करता तब तक मैं कुछ करता नहीं, कल आ जाना। राजा ने पूछा हो गया? बोले महाराज थोड़ी सी बाकी रह गया, बस हो ही गया। दूसरे दिन भी आई, दूसरे दिन भी ऐसे तरह तरह का हाव प्रकाश की, और बाबा बोले देखो मेरा अभी माला पूरी नहीं, बैठ जाओ। बस दूसरे दिन भी उनको जोर जोर से भगवान का नाम सुनाते रहे, लेकिन दूसरे दिन भी ऐसे कर रात बीत गई। हरिदास ठाकुर बोले देखो 2 दिन से तू आ रहे हो, तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हो पा रहा है, कल तुमको कभी वापस नहीं छोड़ूंगा, जरूर तुम्हारी इच्छा को पूरी कर दूंगा। मतलब क्या? जरूर तेरा साधु, तुम मेरा संग करने के लिए आई ना, साधु तुमको क्या दे सकती, भक्ति प्रेम तो देगी और क्या देगी, कल जरूर आ जाना। बोले ठीक है बाबा,
ए दूसरे दिन तक तो उसने हाव भाव तरह तरह का कही। तीसरे दिन जब आई ना, इधर उधर नहीं आ करके सीधा चुप कर बैठ गई। बोले क्यों, हरिदास ठाकुर कौन है? ब्रह्मा है, पितामह ब्रह्मा, हरिदास ठाकुर ब्रह्मा और श्री प्रहलाद गए हैं, दोनों मिल करके आए, दोनों ही महाभागवत संत हैं। शास्त्र में बताया, तुल्याम लभना पिना स्वर्ग न पुनर्भव भगवत भक्त संग से मर्त्यानाम की मुता शिष्य। अगर एक मुहूर्त अगर साधु संघ, एक लब साधु संघ हो जाए जिसको साथ में स्वर्ग मुख्य का, तक भी आनंद को बराबर नहीं कर सकते। और इतने बड़े दो दो संत मिलकर के एक स्वरूप, उनका मुंह में कथा सुने के, नाम सुने के परिवर्तन नहीं होगा। हे तीसरे दिन जब आई ना, वो चुपचाप वहीं पर बैठी रही, चुपचाप बैठी रही। और बाबा जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, नाम करते रहे, सुनते रहे। जब सुनते 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 जब सवेरे होने का आया, इसका हृदय कितना चेत दर्पण मार्जनम, इसका हृदय रूपी दर्पण साफ हो गया। उसके हृदय में जो कामना थी ना, सारी कामना खत्म हो गई। खत्म हो करके रो रो करके सीधा बाबा को चरण में गिरे। बोले बाबा, मेरे को जो राजा है ना, मुसलमान राजा ने भेजा था तुमको गिराने के लिए, लोगों के सामने तुम्हें अपमान करके गिराने के लिए, और कुछ लोग है ना वो दूर से छुप करके बैठे हुए, जब मेरे तुम्हारे साथ में मैं आविष्ट हो जाऊंगा, संलग्न हो जाएगा, मेरे को पकड़ के रंगे हाथ से पकड़ करके राजा के पास में ले जाएंगे, तुम्हारी बदनामी करवाएंगे। लेकिन देखो तुम कितने बड़े साधु और मेरे मन में कितने गलती वासना मेरे मन में, तुमको गिराने के लिए मैं आया, बाबा मेरे अपराध को माफ कर दो। हरिदास ठाकुर बोले, मैं सब जानता हूँ, तुम कहाँ से क्यों किस लिए आए सब मेरे को पता है, लेकिन दुनिया को मैं दिखाना चाहता ये साधु का संग कितना दुर्लभ है, और साधु संघ से जीव क्या नहीं प्राप्त कर सकता है। वो दुनिया को दिखाने के लिए था, इसलिए मैंने रहा 3 दिन तक तेरे लिए बैठे रहा और कृष्ण नाम तेरे को सुनाते रहा हैं। बोले बाबा, मैं तो चाहती हूँ सब छोड़ कर भजन करो। बोले एक काम करो, जितने सब उल्टा पुल्टा काम करके पैसा कमाए ना, सारे पैसा को जाओ से ब्राह्मण को दान दे दो, और एक वस्त्र पहन करके गंगा में नहा करके आ जाओ, मैं तुमको हरिनाम दूंगा, यही बैठ कर तुम भजन करो, और तुम ये कुटिया में रहो, ये तुलसी की सेवा करो, इनको सामने बैठ कर हरिनाम करो, परिक्रमा करो तुलसी के चार तरफ में, और यही बैठ कर हरिनाम करो। बस जब ये बात ना चार तरफ में एकदम बिजली बिजली जैसे फैली गई हैं, जैसे बिजली कौन देती कौन थी ना, ऐसे चार तरफ में फैल गई। बोले क्या हो गया? बोले सही वैश्या हैल परम महान थी, बड़ा बड़ा वैष्णव तार दर्शन जानती। वो जो वैश्या थी वो तो इतने बड़े साधु बन गए, बड़े बड़े साधु भी जिसको दर्शन करने के लिए आया करते थे, ऐसे बाबा की कृपा है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं, कहते हैं, कहते कहते कृष्ण की इच्छा से, जब भगवान की इच्छा से ही शुद्ध चिन्मय जीव का जड़ संबंध दूर हो जाता है। हाँ, जब जड़ संबंध उसको भगवत इच्छा से जड़ हो जाता है, कैसे दूर हो जाता है? कहते कृष्ण तार देन निज चित शक्ति बल, माया आकर्षण छाड़ी हया दुर्बल। क्या होता है जब जीव भगवान की भजन करता है ना, जीव तो क्षुद्र है इसलिए माया आसानी से उसको दबच लेती है, लेकिन जब ये जीव भगवान के शरण में जाता है, भगवान क्या करते हैं? अपना चित शक्ति दिव्य शक्ति प्रदान करते हैं। फिर क्या होता है, जो माया है उसका जो आकर्षण है ना, धीरे 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 माया के आकर्षण कम होते जाता है, क्योंकि भगवान उसको शक्ति दे रहे हैं ना। जितने प्रभु का भजन करते जाओगे ठाकुर उतना ही कृपा करेंगे, हैं इतना ही कृपा करेंगे। अब देखना एक बंदर को देखना, एक छोटा बंदर देखना एक बड़े बंदर को ना, बंदर घूर के दे देता है, हैं अब देखना छोटा बंदर एक बड़े बंदर को भी घूर के दे देता है। बोले क्यों? वो जब देखता है उसको पीछे बड़ा बंदर बैठा हुआ है, हैं उसका ताकत बैठा हुआ पीछे उसका, इसलिए उसका ताकत से छोटा बंदर बड़ा बंदर बंदर घुड़गी वो भाग जाता है, जानता है उसको पीछे बैठा हुआ। उसी तरह जो जीव तो खुद रहे, लेकिन जब ये जीव भगवान का आश्रय लेता है, भगवान उसको जब अपना चित शक्ति प्रदान करते हैं, उस समय क्या होता है, जो माया है ना धीरे 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 माया दुर्बल हो जाती है, हैं माया उसको धीरे धीरे दुर्बल हो जाती है, फिर माया बंधन से जीव मुक्त हो जाती है।
किंतु जब तक कृष्ण की इच्छा नहीं होती तब तक जड़ संबंध केवल खैर मुख होता है। यहाँ पर कह रहे हैं भगवान तो अपना शक्ति प्रदान करेंगे, लेकिन कब करेंगे? जब हम ठाकुर के चरण में संपूर्ण रूप में शरणागत हो जाए। कमी हमारी अंदर में, कमी भगवान के अंदर में नहीं है, कमी हमारी अंदर में। कहते जब तक हम संपूर्ण रूप में शरणागत नहीं होते हैं तब तक भगवान हमें जितना परिमाण से हम प्रभु के चरण में शरणागति होते रहेंगे, प्रभु हमें उतना परिमाण से भगवान हमारे ऊपर में कृपा करते रहेंगे। उस समय क्या होगा, जैसे अभी भी हम भजन कर रहे हैं, लेकिन हम जितने दूर तक प्रभु के चरण में शरणागत हैं, प्रभु के चरण में शरणागत उसकी आश्रय लेकर के हम भजन करते हैं, कहते उतना परिमाण से क्या होता है, जो जो जड़ जो संबंध है वो धीरे धीरे क्षयन मुख हो रहा है, धीरे धीरे ये क्षय होते होते जा रहे हैं। जितने परिमाण से हम प्रभु के चरण में शरणागत हो रहे हैं, जब पूरा शरणागत हो जाएगी पूरा ही जड़ बंधन खत्म हो जाएगी, पूरा जड़ बंधन हमारी खत्म हो जाएगी। इसलिए निर्भर करता है हम कितने ठाकुर का चरणों का आश्रय हम कितना लेते हैं। ठीक है ना, बोलो हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए जैसे ना द्रौपदी, जब द्रौपदी भगवान से पूछे, बोले प्रभु जब भरी सभा में मेरी लाज जा रही थी आपको तो मैंने बड़े देर से पुकार रही थी, अब अन्न में इतना देर क्यों लगा दिए? बोले द्रौपदी तुम दिल से मेरे को एक बार ही पुकारे, जब हृदय से पुकार तभी मैं आया। बोले प्रभु कैसे कह रहे हो, जब से मैं मेरे को दुशासन अपना घर से केस पकड़ कर घिसड़ते हुए ला रहा था तब से मैं आपको बुला रहा था, तब से मैं बुला रही थी। बोले द्रौपदी सही सही बचाओ, तू सही सही बुला रही थी ना, और कोई तुम्हारी भावना थी? सही सही बताओ, जब वो खींच करके लाए तो क्या सोच रही थी? बोले मेरे पांच पांच पति है, ये क्या करेगा? भीमसेन जैसे गदाधारी, गांडीव जैसे अर्जुनधारी, नकुल सहदेव जैसे तलवार धारे, और श्री युधिष्ठिर जैसे भाला युद्ध में कोई बराबर नहीं। पांच पांच महारथी, रथी नहीं महारथी, ये सब के सब जब ये रहते हुए मेरा क्या कर लेगा, सोच रही थी? बोले हाँ प्रभु मैं तो सोच रही थी। और जो खींच करके ले आया किसके तरफ में देख रही थी? मेरे तरफ में ना, पतियों के तरफ में। बोले पतियों के तरफ में देख रही थी, तो जब तुम पतियों के तरफ में देखोगे मेरे को तो बुला रही थी। बोले हाँ कृष्ण आएंगे तो आएंगे, नहीं तो ये लोग तो है ही ना, फिर मैं क्यों आता जब तुमको पांच पांच पति रक्षा करने वाले में, फिर इसलिए मैं नहीं आया। फिर जब इन लोगों ने रक्षा नहीं की, फिर द्रोणाचार्य कृपाचार्य भीष्म वहाँ पर हैं, धृतराष्ट्र सब बैठे हुए, उनके तरफ में देख रही थी ना? बोले हाँ उनके तरफ में भी देख रही थी, मैं तो कुलबद्ध हूँ, मेरे को सोच रहा था ये जरूर तो कुछ ना कुछ बोलेंगे। बोले तुमको इतने सारे लोग जब रक्षा करने वाले, फिर बीच में क्यों आता? लेकिन जब देखा तुमको कोई नहीं रक्षा कर रहा है, कोई नहीं, और तुम अपना हाथ से कपड़े को जोर करके दबा करके रखी हुई थी। मैं साधारण करके थोड़ी हूँ, पंच पांडव का पत्नी हूँ, दांत को नीचे कपड़ा को दबा करके हाथ से कपड़े को पकड़ करके रखी थी। तो द्रौपदी जब तुम खुद को खुद बचा सकते फिर क्यों आता? लेकिन जब देखा कोई तुमको रक्षा नहीं कर पाए, खुद भी नहीं, जब दोनों हाथ उठा करके हे गोविंद हे राख शरण अब तो जीवन हरतम। इसलिए कहते जितना परिमाण में हम भगवान के चरण में शरणागत होंगे, आत्मसमर्पण करेंगे, भगवान हमें उतना परिमाण से ही ठाकुर जी हमें रक्षा करेंगे। अगर हम सोचते होंगे नहीं ये काम करके ये रक्षा करेगा, वो काम करने पर वो रक्षा करेगा, वो काम करने पर वो हमें रक्षा करेगा, रक्षा करेगा, बोले रक्षा कर देख लो, जब तक चक्कर काटना काट लो, जब सारे चक्कर खत्म हो जाए फिर मेरे पास में। इसलिए हमारे जो श्रीवास पंडित जो चार भाई थे, क्या करते थे? पूरा परिवार बैठ कर दिन रात कीर्तन करते थे, घर में दिन रात कीर्तन करते थे। महाप्रभु पूछे परिवार कैसे चलेगा, तीन ताली बजा दिए। बोले तुम्हारी जो वाणी के ऊपर मेरे पूर्ण विश्वास है, गीता में तुमने जो बताए अनन्य चिंतयंत माम यजना पर जो पासते ते सांग नित्याभिजुक्ता नाम जोगाख्यम भाम्यम, अभी तो गीता में प्रतिज्ञा की है ना, जो अनन्य रूप में मेरे शरणागत है, अनन्य रूप में मेरे चिंतन करते हैं, उनका समस्त दायित्व तो मैं ग्रहण करता हूँ, सब मैं लेता हूँ। इसलिए आपकी वाक्यों को मैं सहारा करते हुए दिन रात हम पत्नी बच्चों को लेकर दिन भर भजन करते,
भगवान की भजन ही करते हैं, भक्ति करते हैं। इसलिए निर्भर है हम कितने प्रभु का चरण में शरणागत है, जितना शरणागत है उतना ही हमारी कल्याण माया उतना ये दुर्बल अपना आकर्षण को छोड़ती है। इसलिए कहते हैं कहते ये जब जिस समय क्या होता है कहते ये धीरे 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 जो माया धीरे धीरे क्षय होता है, धीरे धीरे जब जितना परिमाण में भजन करते हैं क्षय होता है। कहते उसी क्षयन्मुख अवस्था में मानव बुद्धि स्वरूपतः जड़ मुक्ति नहीं होती। जिस समय ये माया धीरे 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 क्षय होती है उस समय में क्या होती है हमारे जो मानव का जो बुद्धि संपूर्ण रूप में ये जड़ से मुक्त नहीं है, जड़ जड़ से मुक्त नहीं। इसलिए भागवत में बताया जथा जथा तथात्मा परिमृजत असौ मत पुण्य का कथा श्रवणाभिधाने। उदाहरण दिया है जितने परिमाण से हम भगवान की भक्ति करते हैं भजन करते हैं हैं मत पुण्य कथा श्रवणाभिधाने, जितने परिमाण में मेरी पुण्य कथाओं को जीव श्रवण करता है उतना परिमाण में ये माया हटती जाती है। उदाहरण दिया जैसे आँख में काजल लगाते हैं, जो काजल है क्या करता है आँख को शोभा देती है, ये आँख का रोशनी भी बढ़ाता है, ये काजल है। जैसे आँखों में काजल लगाने पर ये आँखों की रोशनी धीरे 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 काजल क्या करती है आँखों की रोशनी बढ़ाती है। कहते ठीक उसी तरह जीव जितने परिमाण से प्रभु का भजन का तरफ में चलता है उतना परिमाण से ही ये माया के बंधन धीरे 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 कम होते जाता है, कम होते जाता है। इसलिए जब खैन अवस्था मानव का बुद्धि स्वरूप तो जड़ मुक्ति नहीं होता है, संपूर्ण रूप में जड़ से अतीत नहीं हो जाता है, अर्थात उसी समय भी वस्तुतः जड़ मुक्त नहीं होती है। वस्तुतः जड़ मुक्ति होने पर शुद्ध जीव की रागात्मिका वृत्ति स्वरूपतः और वस्तुतः उदय होता है। जब संपूर्ण रूप में ये जड़ से हम मुक्त हो जाते हैं उसी समय क्या होता है कदि जीव का जो रागात्मिक जो वृत्ति स्वरूपतः और वस्तुतः है, कहते कहते दो तरह से कि स्वरूपतः और वस्तुतः उदित होता है। वास्तव रूप में उस समय क्या रागात्मिक वृत्ति जागता है, जब रागात्मिक वृत्ति जग जाती है फिर तो ये मन और कृष्ण को चरण को छोड़ करके ये मन और कहीं नहीं भागती है। इसलिए माधुरी जी कादंबरी में विश्वनाथ चक्र ठाकुर वहाँ पर सब उन्होंने बड़े सुंदर सुंदर उदाहरण दे करके उन्होंने बताई है हैं, एक दशवर्तीन बहुदशवर्तीन प्रायिक आत्यंतिक, मतलब कितना कितना जिस परिमाण से हम भजन करते हैं उतना परिमाण से हमारे अनर्थ दूर होता है। जब संपूर्ण रूप में आत्यंतिक रूप में संपूर्ण अनर्थ खत्म हो जाती हैं उस समय प्रेम से भगवत प्राप्ति भगवत दर्शन तभी हो जाती है, और भगवत दर्शन हो गया तो फिर संसार का बंधन तो हमारी खत्म ही हो जाती है। इसलिए वस्तुतः जड़ मुक्त होने पर शुद्ध जीव की रागात्मिका वृत्ति स्वरूपतः वस्तुतः उदय होते हैं। ब्रजवासियों की प्रकृति ही रागात्मिका प्रकृति, कहते ऐसे प्रकृति किसकी सी, किसकी अंदर में ऐसे प्रकृति दिखता है, बोले ब्रजवासी, ये ब्रजवासियों के अंदर में ये स्वाभाविक रूप में कृष्ण के प्रति ये वृत्ति स्वाभाविक वृत्ति। इसलिए उनका प्रकृति को क्या बताया, बोले रागात्मिका वृत्ति, एक होता है रागानुगा और एक होता है रागात्मिका। इसलिए यहाँ पर कहते हैं हम आगे सब सुनेंगे, जो रागात्मिका वृत्ति है ब्रजवासियों का, कहते रागानुगा किसको कहते हैं, मतलब जो रागात्मिका व्यक्ति जिनका आत्मा में ही भगवान के प्रति स्वाभाविक राग है, मतलब उसको जो अनुसरण करके जो भजन साधन करते हैं कहते उनको रागानुगा कहते हैं हैं। कहते खैर मुख अवस्था में उसी प्रकृति के अनुगत होने से जीव रागानुगा हो पड़ता है। यहाँ पर कह रहे हैं रागानुगा किसको कहते हैं, बोले खैर मुख अवस्था में जिस समय हमारा अनर्थ धीरे 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 क्षय होता है अवस्था में उसी प्रकृति के अनुगत होने से, कौन सा प्रकृति की, वो जो रागात्मिका जो प्रकृति जो ब्रज जन जो नित्य परिकर भगवान के प्रकृति जो अनुगत होने से जीव रागानुगा हो पड़ता है धीरे 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 धीरे, उसको जब हम अनुसरण करते ही वो कौन हो पता है वो रागानुगा हो जाते हैं। जीव के लिए यह अवस्था बड़ी ही उपादेय होती है, वह अवस्था तब तक उपस्थित नहीं होती जब तक मानव बुद्धि का अनुराग माई की वस्तुओं में रहता है। कद ये जो अवस्था है कद बड़ा ही दुर्लभ वस्तु है, ये साधारण वस्तु नहीं,
कहते वो अवस्था तब तक उपस्थित नहीं होता है, बोले कब तक, जब तक मानव बुद्धि अनुराग माई की वस्तु में रहता है, जब तक ये सांसारिक वस्तु में माई की वस्तु में हमारी मन रहेगा, बोले तब तक ये रागानुगा वृत्ति नहीं जगेगा। जब माई संसार से ये मन संपूर्ण ऊपर चल जाएगा तभी ये वृत्ति तभी आएगा। जो अगर ये चीज आ जाए ना, कहते हैं ये बहुत भाग्यवान जीव को ये वस्तु प्राप्त होता है, बड़े दुर्लभ है। इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं, हैं रूप गोस्वामी कहते सुदुर्लभा, भक्ति को बड़ा दुर्लभ बताया, बहुत दुर्लभ है। किसी किसी सौभाग्यवान जीव को हृदय में ये भावना, भाग्य सौभाग्य तभी उदय होता है, सभी का हृदय में ये वस्तु जागता नहीं। अगर जिसको जाग गया ना, सारा दुनिया में उसका जय जयकार हो जाता है। इसलिए क्लेशग्नि शुभदा कहते, केवल साधन अवस्था में जब सही सही साधन करे उसका सारे दुख क्लेश दूर हो जाता है। शुभदा मतलब सारा दुनिया में उसको जय जयकार बन गया। थोड़ी सी अगर सही सही साधन भजन कर शुरू कर दिए, सारा दुनिया उसको पूजा करने लग जाती, सारा दुनिया में नाम प्रतिष्ठा हो जाती है। इसलिए क्लेशग्नि शुभदा है और मोक्ष लघुताकृत असुदुर्लभा। कहते उसको ऊपर भाव भक्ति आता है, कहते उसका दो लक्षण है, क्या है, कहते हैं, कहते सुदुर्लभा, कहते ये अत्यंत अत्यंत सुदुर्लभ है, हैं सुदुर्लभा और बोलो हैं मोक्ष लघुताकृत, मतलब उसी समय में जो मुक्ति मुक्ति भी उसके सामने अत्यंत तुच्छ हो जाता है। भक्त लोग मुक्ति नहीं चाहते, लेकिन जब प्रेमावस्था होता है ना, बोले सांदरनादा विशेष आत्मा श्री कृष्ण कर्षण जैसा, उसका दो लक्षण है। जैसे दूध को गर्म करते 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 राबड़ी बन जाती है, उसी उसी समय में अवस्था क्या होता है, प्रेमावस्था में इतने आनंद प्रतिपदम पूर्णामृत आस्वादनम, प्रतिपद पद में उसके एक नई 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 आनंद की अनुभूति होता है। और श्री कृष्ण कर्षण जैसा, जैसे कोई फूल खिलने पर भौंरा आकर के उसके ऊपर बैठ करके मधुओं को आहार करना आहरण करना शुरू कर देते हैं, कहते उसी तरह कृष्ण रूपी हैं जो भ्रमर है वो आकर्षित होकर के आकर के क्या करता है, भक्तों का प्रेम मधुओं को भगवान भी आस्वादन करना शुरू कर देते हैं। इसलिए यहाँ कहते हैं अनुराग माइक वस्तु में रहती हैं। इसलिए तब तक मानव बुद्धि अनुराग माया की वस्तु में रहता है। निसर्ग के कारण मूढ़ जीव माया की विषयों के अनुराग को ही अपना स्वाभाविक अनुराग समझने में समझने की भूल करते हैं। कहते निसर्ग के कारण, निसर्ग किसको कहते हैं, निसर्ग किसको कहते हैं, नैमित्तिक किसको कहते हैं, चेंज कर देते हैं। इसलिए कहते ये माया के कारण जो परिवर्तित जो स्वभाव है, परिवर्तित जो स्वभाव है, जैसे हम जीव कौन है, भगवान का नित्य दास है, हम भगवान का नित्य दास है, हमारा कर्तव्य प्रभु की दासों तो करना, उसको सेवा सिवाय और कुछ कोई भी हमारे कर्तव्य नहीं। लेकिन अभी क्या हम कर रहे हैं, नहीं कर रहे। जैसे पानी अभी बर्फ बन गया, वो अपने आप को पानी नहीं करके बर्फ कहता है, लेकिन वो क्या बर्फ है, क्या वो बर्फ नहीं, वो पानी है, लेकिन गर्मी का संस्पर्श माने फिर तरल हो जाता है, पानी उसकी स्वभाव है, तरला तो स्वभाव, लेकिन अभी बर्फ का परिचय दे रहे। इसलिए यहाँ कहते हैं कहते ये जो जीव है, हैं कहते ये जो जीव है उसका जो अनुराग माया की वस्तु में रहती है, बोले कारण क्या है, बोले कारण है अभी जो जीव है, कहते ये मूढ़ जीव माया के विषय का अनुराग को ही अपना स्वाभाविक अनुराग समझने लग जाता है। ये भगवान के प्रति अनुराग को अभी अनुराग नहीं समझता है, वो माया की वस्तु का प्रति जो अनुराग है वही अनुराग को ही अपना धर्म मान बैठता है, हैं? उसका जो कर्तव्य प्रभु का नाम, प्रभु का कीर्तन, प्रभु का भजन, भक्ति छोड़ करके ये जीवात्मा और कोई कर्तव्य नहीं, कोई कर्तव्य नहीं। लेकिन अभी जीव क्या चाहता है, ठाकुर को सेवा को छोड़ करके, प्रभु की भक्ति को छोड़ करके वो माया की सेवा करना चाहते हैं। अभी वो ठाकुर की सेवा करना नहीं चाहता, क्यों, अभी उसको स्वभाव बदल गया, बदल करके असली जो परिचय नहीं दे रहा है, मेरा नाम ये है, जैसे किसको भूत पकड़ ले ना, किसको भूत पकड़ लेता है ना, वो सब भूत का परिचय देता है, अपना कोई परिचय नहीं देता है। कल
कोई मेरे मेरे पास में कोई फोन आया था, कह रहे थे मतलब हमारे जो भाभी के ऊपर में कोई एक है जी कोई भूत आ जाती है, भूत आकर कहते मेरे को बड़ी प्यास लग रहा है, मेरे को पानी पिलाओ, आम खिलाओ, मेरे को मरते समय मेरे को पानी नहीं दिया, खिलाए खाना नहीं सकी, क्या मैं छटपट करते हुए अपना प्राण को त्याग दिया मैंने, हैं तुम लोगों ने मेरे को उसको किया, उसको हॉस्पिटल में भर्ती हो गया था जो कोरोना में, वो हॉस्पिटल में भर्ती हो गई, हॉस्पिटल भर्ती हो गई तो वहाँ पर उनको वैक्सीन दे रहे थे, उनको ऑक्सीजन दे रहे थे, ऑक्सीजन देने पर ना वो पानी मांगने पर भी पानी नहीं पिलाते उस समय में, है उसको मुंह थोड़ी सी गीला कर देते हैं, यही कर देते हैं, उसको पानी पानी ठीक से नहीं पिलाया, और वो बड़ी छटपट छटपट करते करते उसने अपना शरीर को उसने त्याग दिया, हाँ पानी के बगैर, भोजन के बगैर, अभी आकर के उसको बहू के ऊपर में सवार हो जाती है, सवार होकर चित्कार करके आती है, सवार हो जाती है, कहते हैं मेरे को पानी नहीं दिया, मैं छटपट कर रहा हूँ, मेरे को पानी पिलाओ, मेरे को आम खिलाओ, मेरे को ये दो हैं, उसको वो चीज़ को वो मांगता रहता है, ये चीज़ को हमें दो, इसलिए जैसे किसी के ऊपर भूत का सवार होने पर वो जो असली जो व्यक्ति वो अपने परिचय को भूल जाता है, वो सारे भूत जो बोलता है वही वो, लेकिन अभी उसका ही अपना परिचय देता है, उसी तरह हमारे ऊपर में भी माया रूपी जो पिशाच भूत हमारे ऊपर चढ़ बैठा है, जब बैठ गया तो अभी हम क्या दे रहे हैं, अपना असली परिचय नहीं देते, हम केवल एक ही हमारे कर्तव्य है ठाकुर को सेवा करना, इसलिए कृष्ण गीता में क्या कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरण बज, अर्जुन तू सारे धर्मों को छोड़कर मेरे शरण में आ जा, मैं तेरे को सारे पाप से मुक्त करूंगा, मन मना भव ये मन और किसी को मत दिया करो, मत भक्त भव ये केवल मेरा ही भक्त बनो, माम जा केवल मेरा पूजा करो, माम नमस्कुरु केवल प्रणाम मेरे को ही करो, बोले करने से क्या, बोले माम एससी तभी तुम मेरे को प्राप्त कर सकता हूँ, और मेरे को प्राप्त करने पर ही तुमको जीवन में परम शांति परम आनंद मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, लेकिन अभी हम क्या चाहते हैं, अभी माया पिशाच पकड़ लिया, भूत पकड़ लिया, आत्मा के ऊपर में दो कवर कर दिया ना, एक सूक्ष्म और एक स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि अहंकार चित्त, इसको पहले उसको ढक लिया, उसको ऊपर में फिर ये शरीर दे दिया, बस करके भगवान माया ने क्या किया, बोले मेरी सेवा नहीं करोगे, उन्होंने माया ने किया बड़े जोर से मारे फेंके, इसलिए कहते एक आवरण आत्मिक और एक विक्षेप आत्मिक, आवरण मतलब उसका ढक दिया पहले मन बुद्धि अहंकार, उसके बाद विक्षेप मतलब फेंकना, फिर तो जो माया ऐसे फेंके जीव को, बस ये जीव में संसार में आकर के अभी 84 लाख जोनी भ्रमण कर रहा है, और अपना जो परिचय देता है भूत का परिचय दे रहे, सब भूत का हम परिचय दे रहे हैं, ये हमारे पिता ये हमारी माया, सब भूत का परिचय, कोई किसका पिता माता नहीं, ये तो झूठा संसार है, ये तो धर्मशाला में आकर के जैसे रात में कोई गप्पे मारे सवेरे चली जाती, तो संसार यही सही है, ये गप्पे मार रहे बैठी बैठी करके, तुम्हारी ये हो मैं तुम्हारी वो तुम्हारी ये है ये तुम्हारी, ये सब भूत है, ये माया भूत हम पकड़ लिया, भगवान की नित्य दास है, भगवान की सेवा करना ही हमारी यही कर्तव्य और कोई कर्तव्य नहीं, इसलिए भक्तिमय ठाकुर यही कह रहे हैं कि उसी समय में कि ये परिवर्तित मूढ़ जीव, कि जीव उस समय क्या होता है मूढ़ हो जाता है मूर्ख हो जाता है, मूढ़ जीव माइक विषय को माइक विषय के जो अनुराग को ही अपना स्वाभाविक अनुराग है समझने भूल करता है, सोचता है शायद हमारी यही कर्तव्य ये माइक संसार में रमते हुए इसके प्रति ये कर्तव्य उसके प्रति ये कर्तव्य उसके प्रति माया की जो कर्तव्य को अपना कर्तव्य समझने लग जाता है, लेकिन प्रभु की चरण में जो भक्ति इसको ये सही नहीं समझता है, इसलिए चित्त विषय का स्वाभाविक विशुद्ध अनुराग उस समय भी नहीं होता, उस समय में चित्त विषय का जो स्वाभाविक जो विशुद्ध अनुराग भगवान के चरण में उसी समय भी नहीं होता, माई के विषय में मैं और मेरा ये दो अभिमान गार्ड रूप में कार्य करती रहती हैं, कहते हैं इसमें कौन काम कर रहे हैं, बोले कहते मैं और मेरा, ये शरीर मैं हूँ और ये शरीर संबंधी जितना वस्तु है ये सब मेरा है, सब मैंने कमाए ना, मैं नहीं कमाता तो कौन कमाता, ये मकान दुकान किसने किया, बोले मैंने किया ना, इतना कष्ट करके पैसा कमा कर मैंने किया, सब मैं और मेरा, ये शरीर मैं और ये शरीर संबंधी सब मैं मेरा, इसलिए बकरी मैं करता इसलिए मरता है हैं? मैं इसलिए कहते ये देह मैं मेरी है
और देह मैं हूँ, इसी बुद्धि का द्वारा इसी जगत देह के सुखदायक व्यक्ति और वस्तु के प्रति प्रीति तथा सुख बाधक व्यक्ति वस्तु के प्रति द्वेष सहज ही हुआ करता है। उस समय मैं मेरा दोनों अभिमान आ जाता है। अभिमान आकर के कहती है जो देह है ये मेरी है और देह में देह ही मैं हूँ, हैं ये देह ही मैं हूँ और ये देह मेरा है। कहती इसी में क्या करता है बुद्धि के द्वारा ये जड़ जगत के जो सुखदायक व्यक्ति, अगर इस जड़ जगत में हमें जो सुख देता है ये शरीर को, कहते भैया ये हमारी असली व्यक्ति है, और जो दुख देता है कहते ये मेरे शत्रु है, ये मेरे शत्रु है और ये मेरे मित्र है। लेकिन जो आत्मा की जो उपदेश देता है ना, उसको वो अपना नहीं समझ पाता है, उस चीज़ का अपना नहीं समझता है। हाँ, छोटी एक कहानी सुन लो। भले एक समय इंद्र ने उनको गुरु जी के चरण में, बृहस्पति चरण में उन्होंने अपराध किया है। अपराध किया तो क्यों, एक समय देवता दैत्य में लड़ाई हुई, लड़ाई में देवता लोगों का जय हो गया, और जय हो गया तो इंद्र को सिंहासन में बैठा करके महाराज इंद्र की जय, गले में गजरे की माला डाल रहे थे और उसमें इंद्र की बड़ी जय जयकार हो रही थी, हैं जय जयकार हो रही थी। इतने में दैत्यों को उन्होंने परास्त कर दिया। फिर दैत्यों ने शुक्राचार्य जी के पास में गए, अपना गुरु जी के पास में, बोले गुरु जी हमको तो परास्त कर दिए, अभी हम क्या करें। वो परामर्श कर रहे थे कैसे हैं ये देवता को कैसे हम परास्त करें, क्यों ये देवता दैत्य दोनों भाई है, हैं कश्यप की दोनों दीति और अदिति की संतान, और देखना दोनों दोनों भाई में बहुत लड़ाई, जमीन जगत संपत्ति को लेकर बड़े लड़ाई झगड़ा होता है। इसलिए अभी वो परामर्श ले रहे थे जे कैसे ये देवता को फिर परास्त कैसे करें। इतने में बस इंद्र, हमारे बृहस्पति ने देखा इंद्र मेरे शरणागत है, चलो उसको पास में जा करके उसको हम बता दे, देखो सावधान हो जाओ, दैत्य लोग फिर तुमको लड़ाई करके परास्त करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। उनको उनको समझाने के लिए, कृपा करने के लिए आ रहे थे। लेकिन जब दूर से इंद्र ने देखा बृहस्पति गुरुदेव आ रहे हैं, तो यहाँ पर तो इंद्र को सिंहासन में बैठा करके गजरे की माला डाल रहे थे, जय जयकार कर रहे थे। बस जब देखा गुरु जी दूर से आए ना, बोले तो गड़बड़ी हो रहा है, ये गुरु जी का कोई बुद्धि है ही नहीं, जब इच्छा तब मुंह उठा कर आ जाते हैं, अभी मेरी जय जयकार हो रहा है, अगर गुरु जी आएगा तो क्या करना पड़ेगा, गुरु जी को अभी बैठाना पड़ेगा सिंहासन में, आज किसका जय होगा, गुरु जी का जय होगा, ये गुरु जी की बुद्धि है नहीं, जब इच्छा तब मुंह उठा कर आ जाते हैं। लेकिन इंद्र ने जब गुरु जी को देखा है ना, देख करके ना अनदेखा कर दिया, मुंह ऐसे घुमा दिया, गुरु जी तो साधारण थे नहीं, वो सब समझते थे, बोले मैं तेरे कल्याण के लिए आ रहा हूँ, दैत्य लोग फिर चढ़ाव करने के लिए तैयारी कर रहे हैं तेरे को सावधान के लिए, अब तू सोच रहे हो गुरुजी आ गए अभी हमको प्रतिष्ठा कम हो जाएगा, बस गुरुजी भाग गए वहाँ से, कहीं जाकर छुप गए। फिर जब पता चला दैत्य लोग फिर चढ़ाव कर रहे, गुरुजी को ढूंढने तो मिले ही नहीं हैं, फिर तो उन्होंने अभिशाप ग्रस्त होकर के तभी उन्होंने सुअर जन्म में चले गए। जब सुअर जन्म में चले गए, अभी सुअर बन कर क्या कर रहे हैं, अपना की सुअरिनिया हो गई, 8-10 बच्चे हो गए। अब सुअर को देखा ना कहाँ जाते, कीचड़ में, जहाँ टाटी पेशाब कीचड़ उसमें लोट पोट खाता है, वो मस्त आनंद लेता है, खूब मस्त रहता है। इतने में जब इंद्र राज्य का जब चुत हो गया, अभी स्वर्ग में अराजकता फैल गई, राजा है ही नहीं, जब अराजकता फैल गई देवता लोगों ने, फिर ब्रह्मा जी के पास में गए, बोले पितामह ऐसे ऐसे हो गया, अराजकता फैल गया, इंद्र तो अपना पदच्युत होकर के पता नहीं कहाँ चला गया, अभी जगत में बड़ा अराजकता फैल, अब कृपा करो। ब्रह्मा जी ने देखा इंद्र गया कहाँ, ध्यान लगा कर देखा इंद्र तो सुअर बन गया, और सुअरणी को साथ में और अपना बच्चों को साथ में, कीचड़ में टाटी में पेशाब में लोट पोट खूब आनंद ले रहा है। इतने में ब्रह्मा जी उसको उधार करने के लिए आए, उधार करने के लिए आए, उसको समझाए, बोले इंद्र जानते हो तू कौन, तू इंद्र हो रहने वाले स्वर्ग की, तेरे पत्नी को जानती हो कौन, सची, और वहाँ पर एक से एक सुंदर स्त्रियाँ, रंभा उर्वशी मेनका अप्सराएं हैं, वहाँ पर क्या पान करते हैं, सोमरस पान करते हैं, इसलिए उनको देवता को देवता बताया, हर्ष में दिदीप्यमान निर्जरा, कभी ये बूढ़ा नहीं होते हैं देवता लोग,
हैं अम्बरा निर्जरा, कभी मरते नहीं रहने वाले तुम स्वर्ग के, क्या क्या कर रहे हो, ये कीचड़ में लौट बोट खा रहे हो, चलो स्वर्ग में चलो, हैं स्वर्ग में चलो वहां पर। इंद्र ने कहा स्वर्ग में? बोले हाँ। बोले यहाँ पर इस जम कीचड़ में जो लौट बोट खा रहे, इतना आराम से मिलेगा वहाँ? बोले बेखूब तू क्या कर रहे हो, अरे वहां पर डल्लम गद्दी, वहां पर झांक जैसे मुलायम, जैसे वहां पर गद्दी है, बेड है, गजानंद पलंग के ऊपर में सोते हो तू, हैं वहां पर एयर कंडीशन रूम, वहां पर ठंडा नहीं, वहां गर्मी नहीं, और बोले वहां पर देखो ये सुवर्णियां देख रहे हो ना कितने सुंदर सुंदर, वहां सुवर्णियां मिलेंगे। बोले पागल तू क्या बोल रहे हो, सची तेरी पत्नी है रंभा और बस, मैंने कहा तुम्हारी एक से एक सुंदर स्त्रियां वहां पर हैं, वहां पर सुंदर स्त्रियां हैं, चलो वहां पर। बोले खाने के लिए ताजी ताजी जो बिष्टा खाता है ना, बोले वहां मिलेगा। बोले क्या बोल रहे हो, क्या वहां पर सोम रस पान करके अमृत पियोगे, क्या आनंद है तुम। तो उन्होंने बोले भैया जब कीचड़ मिलेगा नहीं, ये सुवर्णियां और से बच्चे नहीं मिलेंगे, मैं स्वर्ग नहीं जाऊंगा, मैं स्वर्ग नहीं जाऊंगा। ब्रह्मा जी ने देखा तो गड़बड़ी, तो गड़बड़ी है, तो जाना नहीं चाहता है, फिर क्या करे, फिर कमंडल उसे पानी लिए, पानी लेकर उन्होंने इंद्र के ऊपर में छिड़काव कर दिया, और छिड़काव करते ही इंद्र जो पहले स्वर था ना वो बन गया इंद्र, जो जो जब उन्होंने इंद्र बन गया, जब उन्होंने इंद्र बन गया, इतने में पहले तो कीचड़ में लौट पुट खा रहा था सुअरियों को साथ में, बच्चों को साथ में, जब उसने इंद्र बन गया ना, देखा वहां पर इतने बदबू मार रहा था, खड़ा भी नहीं हो जाएगा, टाटी पेशाब नाली था ना, इतने बदबू मार रहा था। जब उन्होंने पूर्वावस्था को सोचा, मैं ये सूर्यगण को साथ में लेट रहा था और इसी कीचड़ टाटी पेशाब में लौट रहा था, लौटपुट खा रहा था, हे भगवान। फिर उनको ये इंद्र का स्वरूप किसने दिया? ब्रह्मा जी ने, हैं ब्रह्मा जी ने दिया उनको। इसलिए पहले तो ब्रह्मा जी कोशिश किया उसका आसक्ति छोड़े, ब्रह्मा जी ने देखा इसका आसक्ति बच्चों के ऊपर में, इसलिए ब्रह्मा जी ने क्या किया, कमंडल से पानी लेकर के पहले उनका बच्चों के ऊपर छिड़काव करवाया, बच्चे शरीर छोड़ दे, वो मरते ही ना। ब्रह्मा इंद्र को तो बड़ा क्रोध आया, बोले मेरे बच्चों को तुमने मार दिया, मारने के लिए दौड़े ब्रह्मा जी को, हैं। फिर बोले चिंता किया, एक साल में एक दर्जन मेरा बच्चा हो जाता है, मार दिया तो क्या हो गया, फिर एक साल में फिर तो एक दर्जन बच्चा हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने देखा इसका तो आसक्ति जाएगी नहीं, बोले इसका बीवी को पर आसक्ति, फिर कमंडल से पानी लेकर मंत्र बुद्ध कर बीवी को ही खत्म कर दिए। जो बीवी खत्म हो गई, बोले हे भगवान मेरी बीवी चली गई, फिर क्या रह जाएगी, हैं मेरी क्या चली जाएगी, रह जाएगी। बड़ा क्रोध आया, मारने के लिए दौड़े, हैं। फिर इतने में ब्रह्मा जी उसको ऊपर में फिर जो पानी का छिड़काव करवाए, फिर उन्होंने इंद्र स्वरूप को प्राप्त किया। फिर देखा मैं कहा कीचड़ में कहा लटपट हो रहा था, और कृपा करके हमें ब्रह्मा जी ने क्या किया, इंद्र स्वरूप को प्रदान किया। फिर तो इंद्र को जब स्वर्ग में लेकर गए, आनंद ही आनंद है, जहाँ पर अमरावती, जहाँ पर हैं उसको अमरावती, और जहाँ पर सुधर्मा सभा, जहाँ पर पारिजात पुष्प नंदन कानन, जहाँ पर फूल कभी मुरझाता नहीं, एक से एक सुंदर स्त्री, या कहते इसी जगत में स्त्रियाँ, कहते पृथ्वी में, कहते ये पृथ्वी में जितने स्त्रियाँ हैं ना, कहते इनकी सुंदरता को एक कर लो, इनकी सुंदरता को एक कर लो। बोले स्वर्ग में जो अप्सरी होती है, कहते एक अप्सरी को साथ में ये जगत का स्त्रियों का सारी सुंदरता एक अप्सरी के साथ मिलता है, समझो वो कितने सुंदरी वहां पर। कहते जितने स्वर्ग में अप्सरियां, उनकी सुंदरता को एक कर लो, कर लोगे तो कहते एक लक्ष्मी को साथ में बराबर कर सकते हो, इतने सुंदर लक्ष्मी। कहते सारे लक्ष्मी की सुंदरता को एकत्रित कर लो, जितने लक्ष्मी, जितना नारायण की, जितना लक्ष्मी है, हाँ हजार हजार लक्ष्मी, कहते एक गोपी को साथ में तुलना होता है, इतने सुंदर गोपियां। इसलिए कृष्ण उनको सुमध्यमा बोल करके स्वागत करते हैं, हैं कहते सारी गोपियों की सुंदरता को अगर समा बराबर करेंगे ना, कहते लक्ष्मी जदंघ्री चरण कमल नखान चलस्य, कहते राधा रानी की चरण की नख से जो छटा निकलती हैं, ये सब के सब मिल करके भी उसको साथ में बराबर नहीं कर सकते हैं, राधा रानी इतने सुंदरी। बोले श्री राधा रानी की जय। हाँ इसलिए अभी हम लोगों का क्या अवस्था है, हम सुअर जैसे ये कीचड़ और अपना बीवी बच्चे में ही हम लोग क्या इसमें लटर बटर कर रहे हैं,
उसमें ही पड़े हुए हैं। लेकिन ये ब्रह्मा कौन, ये गुरु जी, ये गुरु जी समझाते बेटा क्या कर रहे हो तू, यहाँ क्या करो, तेरा घर यहाँ नहीं है, तू रहने वाले गोलोक वृंदावन के ठाकुर के भाव रहने वाले, चूंकि भगवान को भूलने का वजह से माया संसार में आ गई है, ये दो दिन के नाता है, तीन दिन में सारे बिखर जाएगा, है बिखर जाएगा बेटा। लेकिन हम क्या कहते हैं, बोले हम वहाँ नहीं जाएंगे। बोले क्यों, बोले यहाँ पर ऐसे बीवी बच्चे ऐसे दुकान वकान मिलेगा। बोले बेटा तुम क्या बोलते हो, वहाँ पर आनंद ही आनंद है, हैं वहाँ आनंद ही आनंद है बेटा, इसलिए क्या करो, अगर वहाँ जाना चाहते हो एक टिकट बना दो, वो टिकट है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, बस ये टिकट बना लो, सीधा ठाकुर के पास में पहुंच जाओ, वहाँ आनंद ही आनंद, लो मस्त रहो, ठीक है। इतना ही गौर ब्रह्मानंदे हरे हरि बोल।